अभिषेक और ऐश की ऑन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी काफी हिट है। धूम 2 और गुरु जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके अभिषेक और ऐश ने काफी हिट फिल्में भी दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिषेक ने ऐश्वर्या को कैसे प्रपोज किया था? चलो ये हम आपको बताते हैं। असल में जूनियर बच्चन ने ऐश्वर्या को उनके पुराने बॉयफ्रेंड सलमान खान का डायलॉग मारकर शादी के लिए प्रपोज किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया था कि टोरंटो में हुई फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद कड़कड़ाती ठंड में बालकनी में खड़े होकर मैंने ऐश्वर्या से पूछा था, मुझसे शादी करोगी? इस पर ऐश्वर्या ने जवाब दिया था हाँ। अभिषेक के मुताबिक, मैंने धड़कते दिल से ऐश को प्रपोज किया और उन्होंने हाँ कहने में एक सेकंड का भी समय नहीं लिया। उसके बाद 20 अप्रैल 2007 को उन्होंने ऐश्वर्या से शादी कर ली। तो देखा आपने कैसे अभिषेक ने ऐश को उनके पुराने बॉयफ्रेंड का डायलॉग मारकर शादी के लिए प्रपोज किया था। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।